आपको किसी एग्ज़ाम गेट को क्रैक करना हो तो कोचिंग की नीड होती है, ऐसे उसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज की उतनी ही नीड होती है। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज जैसे हम चार कोचिंग की बात करेंगे जिसमें टॉप क्लास की कोचिंग है, और उसमें सारे ब्रांच की बात करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो या अदर कोई ब्रांच हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो 2022 के लिए गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। टेस्ट सीरीज ओपन हो चुका है, जो अप्रैल से ओपन हो गया था, मई जून, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल भी रहे। तो आप किसका ज्वाइन करना चाहिए और किसका नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और कितना टेस्ट सीरीज जाना चाहिए और कितना फायदा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरे चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन कोचिंग की बात करूंगा। और चार कोचिंग जो इंडिया की आई थिंक सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग है, जो ऑफलाइन में भी थी और करंटली ऑनलाइन में भी है। तो मैं इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के लिए इसलिए बात इस कोचिंग के बाद बात करूंगा। चार कोचिंग है और वन बाय वन करके हम उनका डिस्कस करूंगा। पहले चार कोचिंग का नाम बता देता हूं, गेट एकेडमी, एएस एकेडमी, ईएस मास्टर और मेडीजी। ये चार कोचिंग है। और देखिए टेस्ट सीरीज के फायदे क्या होते हैं, ये चीज़ पहले समझने की बात है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के फायदे बहुत सारे होते हैं, आपकी एक्यूरेसी डेवलपमेंट होती है, टाइमिंग मैनेजमेंट होता है, आपकी गलतियां जो करते हो, जो लगता है कि आपको आता है वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ये तीन गलतियां, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें न्यू क्वेश्चन होते हैं, उसको दोबारा आप कर लोगे और नया कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज से फायदे होते हैं। ओपन हो चुका है सारे कोचिंग का, ऑलमोस्ट तो ओपन हो चुका है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो किसी साइट पर। तो मैं बताऊँगा बेस्ट कौन है, तो पहले मैं उनके बारे में डिस्क्राइब करूँगा, लास्ट में बताऊँगा कि बेस्ट कौन सा, किसको कौन सा ब्रांच का लेना चाहिए। इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं गेट एकेडमी। गेट एकेडमी एक जानते हो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल था, बट कोविड के वजह से तो ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है। तो इसका जो गेट 2022 के लिए आप खरीदते हो, तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास है, लिस्ट लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये गेट 2022 के लिए अभी लेते हो किसी भी ब्रांच के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो इनके 60 प्लस टेस्ट है, 60 प्लस टेस्ट है, उसमें 799 रुपये का करंट टाइम है। अदरवाइज ये बाद में ये 2000 रुपया हो सकता है। पहला इनका क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, पूरा डिटेल्स इन्होंने नहीं दिया है, मैंने देखा तो टॉपिक वाइज है, फिर फुल टेस्ट सीरीज है, फिर सब्जेक्ट वाइज है, लाइक दिस। तो 60 प्लस टेस्ट सीरीज है तो गेट एकेडमी का। गेट एकेडमी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बहुत सारे कोचिंगों का अवेलेबल है, मतलब बहुत सारे मतलब ब्रांच का अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करिए और देखिए आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है, चेक करिए उसके बाद देखिए मेरा। और एएस एकेडमी अब नेक्स्ट है, एएस एकेडमी, एएस एकेडमी भी एक शानदार और ज़बरदस्त कोचिंग। आप लोगों को पता है कि एएस एकेडमी भी एक टॉप इंडिया की कोचिंग में नाम आता है, एएस एकेडमी किसी भी ब्रांच के लिए, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो। तो एएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज की बात किया जाए, ये 2 साल का आपका टेस्ट सीरीज देते हैं, और एक तो आपका करंट 22 का देंगे और 21 का भी देते हैं। तो 22 का आप लेना चाहते हो तो 22 में आपका 65 टेस्ट सीरीज होते हैं और 52-21 का टेस्ट सीरीज होता है, ठीक है। और इसमें 1416 रुपये का टेस्ट सीरीज है, इनका सस्ता है, प्लस जीएसटी में भी हो या ना हो, जो 1416 रुपया है, ठीक है। तो 1416 रुपया में इनको गेट 21 का आपका 52 प्रैक्टिस में क्या क्या मिलेगा, आप गेट रैंकर हो 2000 प्लस से तो आपको कम पैसे में मिल जाएगा, और 705 रुपया मिल जाएगा। आपके आईआईटीज के हो, आईआईटी के हो तो आपको 944 रुपया में, एएस एकेडमी के ओल्ड टीचर स्टूडेंट हो 472 या 900 रुपये के करीब मिल जाएगा ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में है क्या, देखिए टेस्ट सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, आपकी टाइम यूजेज कितना की है इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा, रैंक दिखाया जाएगा और डिफिकल्टी लेवल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एएस एकेडमी में है। इसमें उन्होंने क्या दिया है, आप एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू होगा, टॉपिक वाइज ये दिए हैं, 24 होगा आपका ग्रैंड, देखिए एमसीक्यू होगा 21, टॉपिक वाइज होगा ग्रैंड होगा, फिर एमसीक्यू 12 हो जाएगा, जो फुल टेस्ट है इनकी 12 है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें उन्होंने दिया है। देखिए अब बड़े कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज के फायदे क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बड़े टेस्ट सीरीज को ज्वाइन होने के लिए जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा और वैरायटी भी होते हैं कि आईटीज, एनआईटीज, नॉन एनआईटीज, प्राइवेट, सब सारे कॉलेज के होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट ऑल राइट।
तो अब देखिए बात करते हैं ईएस मास्टर। ईएस मास्टर जानते हो कि एक शानदार कोचिंग है, जबरदस्त कोचिंग है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक सारे ब्रांच के लिए ऑलमोस्ट सही है। तो इसका टेस्ट सीरीज की बात किया जाएगा तो ये भी देते हैं 58 टेस्ट सीरीज देते हैं, 58 टेस्ट सीरीज इनका होता है, उसमें 1300 प्लस GST है, और 128 टेस्ट सीरीज लेते हो मतलब 2021 और 22 का लेते हो, 2 साल का लेते हो, तो ये 1800 रुपये प्लस GST है, ठीक है। और इसमें टॉपिक वाइज मिलेगा, आपके टॉपिक वाइज में जो से 30 टेस्ट होंगे, इसमें क्वेश्चन होंगे हर उसमें 16, और इसके मार्क्स होंगे 25 और 45 मिनट की टाइमिंग होगी। इन्होंने अपने मेंशन किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज इनका 12 टेस्ट है, उसमें जो एक सब्जेक्ट में 33 क्वेश्चन होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और आपके 90 मिनट की आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है। और मिक्स वाले सारे सब्जेक्ट को मिक्स कर देंगे। देखो पहले टॉपिक वाइज था, मान लो आप सॉइल पढ़ रहे हो तो प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा आपका, फिर क्या कहते हैं फाउंडेशन का आ जाएगा, ऐसे करके वो आपको मिलता रहता है, ठीक है। सो मिक्स में क्या होगा, सारे सब्जेक्ट को मिक्स कर देंगे, जिसमें 10 है, 65 क्वेश्चन होंगे जैसे गेट में आता है, और वही 100 नंबर और 180 क्वेश्चन, और फुल टेस्ट सीरीज इनका 6 है, जो 65 क्वेश्चन है रहेंगे और 100 और 180, तो इनका भी मस्त है, आप ले सकते हो। टोटल लेते हो 21-22 का तो 1916 क्वेश्चन है, तो जबरदस्त है और आप ले सकते हो, बहुत मस्त है गेट का। तो मैंने 3 कोचिंग का भी बताया, मैंने किसी को क्राइटेरिया नहीं दिया कि 1 कौन है, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, वो बाद में मैं बताऊंगा। तो मैंने गेट एकेडमी का बताया, एएस एकेडमी का बताया, और ईएस मास्टर के बताया। अगले वीडियो में मैं और कोचिंग को बताऊंगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, अभी ऑनलाइन ही सिर्फ है, ऑफलाइन उनकी कोचिंग नहीं है, तो ठीक है। तो अगला जो है आपके लिए जो खास और जबरदस्त बनाती है आपकी जो मेडीजी है, मेडीजी इंडिया की टॉप कह सकते हो कोचिंग है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप लेते हो गेट 2022 के लिए लेते हो 1300 प्लस GST जैसे ईएस मास्टर का, और गेट 21-22 का लेते हो 1800 प्लस GST जैसे उनका है, ठीक है। अब बात करते हैं ये टॉपिक वाइज सब लोग दे रहे हैं, तो टॉपिक वाइज ये 24 टॉपिक वाइज दे रहे हैं, 24 टॉपिक वाइज है, 12 सिंगल सब्जेक्ट का, 16 मल्टी सब्जेक्ट का है, और 4 बेसिक का है, और 4 एडवांस का है, 4 मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 33 35 36 65 65, टाइमिंग इनका जो है 25 50 50 100 और 45 90 90 और 180 मिनट, तो इनका भी ऐसे करके है, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या, आपने जब टेस्ट सीरीज देते हो ना तो आपकी वो परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं कि ये सब्जेक्ट में वीक हो, इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है, आपका रैंक कितना है, प्रीवियस रैंक क्या था, सारी चीज़ आप कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा देता है एज ए ग्राफ, आप किस सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, किस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी नहीं हो रही है। अब बात करते हैं किसका लें, ठीक है। आपको देखिए गेट का प्रिपरेशन दिल से कर रहे हो तो मेरा मानना है 2 टेस्ट सीरीज आपके पास हमेशा होना चाहिए, 2 टेस्ट सीरीज हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का किसका ले, तो फर्स्ट नंबर पे हम सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मेरे पास है, और थर्ड ऑप्शन भी बताऊंगा। तो 2 ऑप्शन, पहले आपको मेडीजी लेना, मेडीजी क्यों लेना है आपके माइंड में ये भी आ रहा है, मेडीजी में एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपकी रैंक पता चलती है, एक्चुअल रैंक पता चल सकती है कि मैं एक्चुअल रैंक इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। उसमें IITs वाले भी होते हैं, सारे IITs गेट के जो प्रिपरेशन करते हैं वो मेडीजी ज्वाइन करते हैं, NITs वाले होते हैं मेडीजी ज्वाइन, प्राइवेट कॉलेज वाले मेडीजी ज्वाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखा जाए तो मेडीजी ज्वाइन करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी एक्चुअल रैंक पता, यहाँ पे एक्चुअल रैंक पता चलेगी तो जाके वहाँ पे भी आपकी मेन एग्जाम में वही पता चलेगा कि एक्चुअल रैंक। और मेडीजी की जो डिजाइन है टेस्ट सीरीज अल्टीमेट है, हर सब्जेक्ट हर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपके जितने मार्क्स यहाँ आ रहे हैं एक्चुअल मार्क्स आपके गेट के एग्जाम में आएंगे, ये मेरे लिख के दे लेना, आप सही से मन से दे रहे हो तो यही चीज़ होती है। और हर चीज़ का कुछ क्वेश्चन नया डेवलप होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर चीज़ का होता है, तो मेडीजी इज़ द बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्राइटेरिया। AS Academy सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर, तो AS Academy सेम जैसे मैंने बताया मेडीजी के बारे में ऐसे सेम AS Academy नंबर ऑफ स्टूडेंट IITs सब कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, और ये 2 टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप AS Academy ES Master को दोनों एक कोई भी ले सकते हो, मैं फर्स्ट पे मेडीजी आपको लेना ही लेना है, और ES Master या AS Academy में से दोनों में से एक कोई ले सकते हो, डिपेंड करता है आप आनी हो तो। ES Master भी सेम क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, थोड़ा इनका टफ लेवल होता है, इनका टेस्ट सीरीज का डिफिकल्टी लेवल टफ होता है, ओके, तो इनको ले सकते हो।
दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई, पहला मेडिजी दोनों में से एक कोई, ठीक है, और सिविल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सेम प्रोसेस है, पहले पे आपको मेडिजी लेना है, सेम वही सारी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट सारी चीज़ें, और दूसरे नंबर पे आपके गेट एकेडमी के साथ जा सकते हो। आई थिंक गेट एकेडमी भी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, तो गेट एकेडमी को ले सकते हैं, गेट एकेडमी या एएस एकेडमी, दोनों में से कोई ले एक ले सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात किया जाए तो हम, मेरा मानना जैसे मेडिजी है, मेडिजी के बाद एएस एकेडमी और ईएस मास्टर, तीनों में से कोई एक ले सकते हो। पहला तो मेडिजी को प्रेफरेंस देना ही देना है, बाकी एएस एकेडमी और ईएस मास्टर में से कोई एक, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेडिजी को फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको गेट एकेडमी देना है, फिर एएस एकेडमी या ईएस मास्टर में से कोई तो वो ले सकते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट सबको दो लेना है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपके, पैसे गेट एकेडमी का लेते हो 700-800, आपको मतलब 3000 तक आपको खर्च करना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज ले लीजिए अभी अभी, आपको टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए ऑलमोस्ट सबको, और देना शुरू कर दो, क्योंकि जो एक दो सब्जेक्ट खत्म हो गया उससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो मैंने डिटेल समझाने का ट्राई किया आप लोगों को, आई होप तुम लोग समझे होंगे। बाकी और भी टेस्ट सीरीज मैं आगे फ्यूचर में लाने वाला हूँ, आई होप मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, उसमें कौन सा बेस्ट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे वीडियो में हम डिस्कस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करके बताओ क्या चाहिए, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो, क्योंकि आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं अपलोड करूँ। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, जय हिंद।